हेलो डियर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम CBSE क्लास 10th मैथ और जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, आज से बिगनिंग करेंगे और कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम जानते हैं रियल नंबर होता क्या है। चलिए, देखिए रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो हम डेली अपने बुक में देख रहे हैं जनरली, जैसे 1, 2, -1, 1/2, √3, √5, √6। ये 10th क्लास के बुक तक तो हमेशा मिलेगा आपको ये रियल नंबर। सब चीज़ रियल नंबर, जितना हम चीज़ मार्केटिंग खरीदे हैं 10 रुपये, 20 रुपये, सब रियल नंबर है। ठीक है, 1/2 फुट, आधा फुट कोई बोल दिया, 6 फुट, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी तक 10th क्लास के बुक के अंदर देखोगे सब रियल नंबर ही मिलेगा तुम्हें। भले ही 11th में जाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो इमेजिनरी नंबर है, वो नहीं जानना, अभी रियल नंबर। तो देखो, रियल नंबर में पहले आप जानिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट हो 1, 2, 3, यानी एक एक का गैप रखे और चलता जाए, तो नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें 0 हो और 0 के साथ नेचुरल नंबर भी आ जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होल नंबर हो गया। बस बेसिक्स आइडिया ले लीजिए, उसका मेन टॉपिक हमें पढ़ना है। इंटीजर किसको बोलते हैं, जैसे इंटीजर का मतलब एक वीडियो भी होगा मेरा इंटीजर का, देख लीजिएगा। यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो ये +1, +2, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। देखो ये होल नंबर भी होगा और इधर वाला निगेटिव वाला जो साइन पार्ट है ना, ये भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो इंटीजर में पूछेगा 2 कंसेक्यूटिव मतलब बगल वाले इंटीजर के बीच का गैप कितना होगा, 1 का होगा। देखो इसके बीच का 1 का गैप है, ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 के गैप होता है इंटीजर में। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक निगेटिव इंटीजर होगा। अब बात आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो, ये थोड़ा याद रखिएगा, इसमें समझना है। रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो। P/Q का मतलब क्या होता है, यहाँ पर P भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और Q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, बट Q≠0, लेकिन Q 0 नहीं होगा। P इंटीजर का मतलब P आप -2 भी रख सकते हो, Q 4 भी रख सकते हो। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन कोई बोल दे मैं P को √3 रख रहा हूँ, Q को 1 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ, क्या इंटीजर है, क्या रेशनल नंबर है, नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में P भी इंटीजर होना चाहिए। देखो ये सिंबल क्या है, अभी बिलोंग्स का है, P इज़ इंटीजर, तुम लिख लो अभी बिलोंग्स रहने दो, Q इज़ इंटीजर। ठीक है, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इतनी चीज़ें। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर के बारे में आइडिया ले लिया, ठीक है, ये तो सब पढ़े हो, बेसिक भी चीज़ें हैं। ठीक है, होल नंबर के बारे में हमने आइडिया ले लिया, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से लेकर आगे चलते जाओ, एक एक का गैप रख के 0, 1, 2 ऐसे गैपिंग रखो। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। और इंटीजर भी समझ लिया हमने, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर भी होगा और होल नंबर का निगेटिव पार्ट भी, 0 को छोड़ के देखो, -1, -2 इंटीजर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, P इंटीजर होगा, Q इंटीजर होगा, बट Q≠0। कोई तुमसे ऐसे बोल दिया कि 2/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 से किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनडिफाइंड टर्म, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। अब पाँचवीं बात आती है इरेशनल नंबर। ठीक है, मेन टॉपिक बस पॉइंट पढ़ लेते हैं, हमें तो क्वेश्चन वाला तरीका पढ़ना है, क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा एक्सरसाइज का। इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसमें आपका P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, नॉट रिटन इन P/Q फॉर्म। जैसे P क्या होना चाहिए, P इज इंटीजर, Q इज क्या होना चाहिए बाबू, इंटीजर, बट Q≠0। तो इसको देखो, यहाँ पर बोला है कि इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे रेशनल नंबर से जस्ट उल्टा, जैसे रेशनल नंबर में तुम लिख ले रहे थे कि इसमें देखो P क्या हो गया, √3, तो √3 तो आपका इंटीजर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है P इज इंटीजर होगा, अगर P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो तो P तो यहाँ पर इंटीजर आपने नहीं लिखा, आपने दूसरा कुछ लिख दिया। तो यही सब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे जितने प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे ना, जैसे 5 का स्क्वायर रूट, तो ये इंटीजर नहीं देगा जनरली। अगर 9 देखो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कोई बोल देगा √9/1 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि √9 का पॉसिबल है स्क्वायर रूट 3,
स्क्वायर रूट का मतलब नाइन किस दो नंबर से मिलके बनाया था, थ्री थ्री जा नाइन बनाया ना, स्क्वायर रूट का मतलब ये था, जैसे फोर किस का स्क्वायर रूट है, फोर का स्क्वायर रूट क्या है, तो दो होगा क्योंकि दो दो मिलके फोर बनाया है, तो यहाँ पर थ्री बाई वन हो गया, तो ये किस में चला जाएगा, रेशनल में चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली आप क्या देखिएगा, जितने ई रेशनल नंबर हैं वो ज़्यादातर ई रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट ज़्यादातर क्या आता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ज़्यादातर क्या आता है, ई रेशनल नंबर। जैसे प्राइम नंबर है ना 17, 17 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बाबू, ई रेशनल आएगा, क्योंकि देखो ये तो इंटीजर बनेगा ही नहीं, तुम इसका निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। दोनों भाई इंटीजर होना चाहिए तभी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ई रेशनल नंबर में एग्जांपल क्या हो जाएगा, रूट सेवन, रूट टू, रूट अलेवन, रूट थर्टीन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आप रूट एट भी लिख सकते हो, क्यों देखो, क्योंकि एट का ब्रेकिंग क्या होता है, देखो टू फोर जा एट, तो यहाँ पर फोर है ना बाबू, तो फोर का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, क्योंकि दो दूनी के चार, तो दो बाहर हो गया, देखो इस बाहर का दो बार गुणा करके इसमें कर दो, एट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ई रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपने समझ ली, अब मेन टॉपिक आते हैं जो कि इस चैप्टर का है, वो समझते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ओके, मिला लीजिएगा, पूरी बातें समझ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल्स, ये मेन मेन पॉइंट थे जो समझना था। इस शुरू में थोड़ा सा टॉपिक के पीछे भी आप पड़े होंगे, मेरा एक वीडियो भी है इस टॉपिक पर, रियल नंबर पर आप देख सकते हो। तो रियल नंबर ऐसा नंबर है जो जिसमें होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सिंपल सा भी बोल देंगे, क्या इंटीजर रेशनल नंबर नहीं है, है भाई, इंटीजर मतलब क्या होता है, दो, तो क्या तुम दो को टू बाई वन नहीं लिख सकते हो, तो ये इंटीजर हो गया इंटीजर, तो हमको क्या बोला गया था, पी बाई क्यू इंटीजर हो, तो दो भी क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। तो इंटीजर भी रेशनल नंबर है, नेचुरल भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोल दिया वन, तो वन बाई टू देखो हो गया कि नहीं, वन मान लो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, माइनस वन ले लो, माइनस वन बाई टू, तो ये भी रेशनल हो गया, हो गया कि नहीं। तो रेशनल में सब आ जाएंगे, ई रेशनल में बस वही होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर में निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, हेलो फ्रेंड, देखो यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये मेन टॉपिक है, इसी से आपकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व होंगे, भी कर सकते हैं मैथमेटिशियंस। डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना, लेमा मतलब एक टू स्टेटमेंट होता है जो कि अभी बिगिनिंग है, शुरुआत में एक टू स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से आप दूसरे किसी थ्योरम या स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो या उसमें यूज कर सकते हो। लेमा का मतलब ये है, लेमा इज अ टू स्टेटमेंट या इट इज़ अ बिगिनिंग, ये भी शुरुआती स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट या थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करेगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास, देखो अभी तुम, इन्होंने क्या कहा वो समझ लो, इन्होंने बोला कि ए एक इंटीजर है, बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और आर एक ये भी इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अब देखो, ए को उन्होंने मान लो कि उन्होंने बोला कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो जहाँ पर ये जो क्यू है, क्यू इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, क्यू भी क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और आर की जो वैल्यू होगी ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर किससे होगी आपका, जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही बोला कि तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए बी आर आर पॉजिटिव नंबर और इंटीजर, यानी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। अगर ये ऐसी चीज़ें हैं तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्यू क्या होगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और जो R होगा, R मतलब रिमाइंडर, उनका कहने का मतलब शेष फल, अभी समझेंगे कैसे है। जैसे मान लो तुमसे बोला जाएगा 7 से 10 में डिवाइड करो, तो तुम क्या करोगे, 7 वन जा 7 ऐसे 3, तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, बोलते हैं इसको बोलते हैं डिविजर, क्या बोलते हैं बाबू, डिविजर, इसको बोलते हैं सॉरी ये कोटेंट से आपका कोटेंट, ठीक है, ये होता है आपका क्या, डिविजर, ठीक है, ये डिविजर, ये कोटेंट, ये रिमाइंडर, ठीक है, इतनी बातें हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़े होगे तो देखो, डिविडेंड को यहाँ पर लिखते हैं, ये बीच वाला आपका डिविडेंड है, ये भी जान रहे होगे, डिविडेंड,
जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिविजर मल्टीप्लाई कोटेंट प्लस आर, उसी की तरह दिख रहा है कि नहीं फार्मूला, थोड़ा चेक करो माइंड सेट में दिख रहा है। तो डिविडेंड भाई 10 है, तो डिविजर कितना है आपका 7, कोटेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 3। तो उन्होंने बोला क्या, ए आपका ये नंबर हो गया, बी जिसे डिवाइड करो ये हो गया, क्यू क्या हुआ जो आया कोटेंट, क्यू का मतलब उनका कोटेंट कहने का मतलब था, आर का मतलब रिमाइंडर। अब यहाँ पर आर चेक करो, आर क्या है, तो जो आर की वैल्यू देखोगे ना, ये छोटा सा जो आर है आपका, ये जीरो से हमेशा बड़ा आएगा और किससे छोटा आएगा, बी, बी से छोटा आएगा, इंडिविजुअल से छोटा आएगा, क्योंकि आप जानते हो आपका डिवाइड तभी सही होगा जब यहाँ पर जो रिमाइंडर है ना इससे कम आना चाहिए। क्या कोई ऐसा डिवाइड पड़े हो जिसमें रिमाइंडर ऐसा आ जाए, थोड़ा सोच के बताना। 7 × 7, क्या 7 रिमाइंडर पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल कि जितना डिविजर है उतना रिमाइंडर आ जाए, गलत नहीं होगा, उससे भले ही एक कम आ जाएगा उसके बराबर नहीं आएगा। तो उनका कहने का मतलब यही था, ठीक है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव नंबर है या इंटीजर है, ठीक है। तो यही उनका यूक्लिड डिवीजन लेमा था, इनके हेल्प से उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास दो नंबर है तो आप दो नंबर का मस्ट कॉमन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे आप एचसीएफ पढ़े होगे तो एचसीएफ में डिवाइड मेथड से निकालते हो, तो उनका भी वही लॉजिक था कि इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे, जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई नंबर दो ठहर दिया, अभी सिंपल नंबर लेते हैं 12 और 15, अब बोल दिया कि बाबू इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो जो सबसे छोटा होता है ना, एक चीज़ में ये भी देख लेना कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, इनका कहने का मतलब था, तभी तो यहाँ पर होगा, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये भी याद रखिएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। पॉइंट्स उन्हें कहने का मतलब था कि जो बड़ा वाला यहाँ पर लिखिएगा, छोटा वाला यहाँ पर, जैसे ए इज़ टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो भाई 12 आया, 12 में 15 से डिवाइड करो कितनी बज जाएगा, एक बज जाएगा, 12 × 12 कितना बच जाएगा, वो 3 बच गया। तो अब आपको क्या करना है कि जो ये बड़ा वाला था अब इसको भूल जाइए, अब इसमें आ जाइए, ये वाला एक बार और ये एक वाला, कोटेंट को यहाँ हटा दीजिए, तो 12 ले लेंगे हम लोग, देखो 12 लिया 3 लिया, 12 ले लो बड़ा है तो इधर ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 3 4 जा 12 और क्या बचेगा रिमाइंडर 0। तो आपको कौन सा नंबर यहाँ पर दिख रहा है, देखो 3 4 जा 12, तो कौन कटा रहा है, 3 कटा दे रहा है ना, तो जो 3 है यही क्या आपका है, यही आपका HCF है, क्या है बाबू HCF, ठीक है। तो देखो जो सबसे छोटा डिविजर है ना, सबसे छोटा डिविजर यानी ऐसा डिविजर जो उस नंबर को कटाने के बाद रिमाइंडर क्या देते, 0, देखो यहाँ पर 0 हो गया, अब लास्ट स्टेज खत्म हो गया, तो कौन सा डिविजर था, यही डिविजर है ना, हमें डिविजर को ही आंसर में लेना है, कोटेंट तो ये है, कोटेंट को आंसर में लेना नहीं है, तो डिविजर वाला ही आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप था उनका कहने का मतलब कि दो नंबर होंगे, दो नंबर होगा तो बड़े वाले को यहाँ पर रखिएगा, छोटे वाले को यहाँ पर, क्यू क्यू क्या आएगा, कोटेंट डिवाइड करने की वजह से डिवाइड किया, और रिमाइंडर यहाँ पर। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये 3 है और 12 है, अब इसको भूल जाना है, इसको नहीं लेना है, इसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है, अवॉइड, इसको अवॉइड कर देना है, तो अब इस दोनों को लेना है, तो 12 यहाँ पर लेना है, 3 4 12 रिमाइंडर 0, तो 3 ही तो इसको कटा रहा है, डिविजर ही आपका आंसर होगा, भूल के भी कोटेंट आंसर मत लिखिएगा, ठीक है, जो कटा रहा है वही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे देखो 3 4 12 3 5 15 दोनों में कॉमन क्या है 3, देखो 3 4 12 3 5 15 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो HCF क्या होगा प्यारे बच्चों 1 3। तो इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक, देखो ये लेमा तो समझ गए, तो इस लेमा में एक और नाम जोड़े, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन करना, उस तरीके लगाना स्टेप बाय स्टेप जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो आपने अभी क्या किया, इनके कहने के अनुसार आपने ऐसे लिख दिया, इनके कहने का मतलब इतना था, इतनी चीज़ें थी, ठीक है, इतनी चीज़ें इनके कहने का मतलब था, ये वाला चीज़, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो इन्होंने बताया उसके हेल्प से हमने कुछ आंसर निकाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब तरीके, स्टेप, आप जैसे कंप्यूटर में देखते हो कुछ डालते हो 10 + 5, तो वो कुछ तरीका लगाता है, लॉजिक और आंसर 15 देता है, एल्गोरिथम करता है। इस तरह यहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके लगाने जो ये बोले हैं, और फाइनली आप HCF निकाल लोगे, ठीक है। तो एक और चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जैसे देखो 2 और 5 2 और 4, इसमें थोड़ा समझ लोगे, 2 और 5 का HCF कितना आएगा,
वन आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि जब को प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जिसका एस सी एफ वन है। देखो टू से फाइव कटता है, नहीं इसका एस सी एफ देखो कट जाएगा, इसका एस सी एफ टू आएगा क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर इसका टू ही होगा, सबसे बड़ा फैक्टर टू। दो इससे भी कट जाएगा, दो इससे कट जाएगा। तो जिन दो नंबर का एस सी एफ वन आ जाए उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम। ऐसे सेवन लेना टेन तो इसका भी एस सी एफ वन आएगा। कोई बच्चा कहता है कि सर जी दोनों प्राइम होना चाहिए ना, दोनों प्राइम की कंडीशन नहीं है, बस ऐसे दो नंबर लो जिसका एस सी एफ क्या आ जाए वन, तो ये को प्राइम नंबर है भले ही दोनों प्राइम हो या ना हो। ठीक है, बात याद रखिएगा, एक प्राइम रहेगा तो चल जाएगा और दूसरा भी इवन हो सकता है, तो इनका को प्राइम कहलाएंगे क्योंकि देखो इसका एस सी एफ भी निकालोगे तो वन ही आएगा। तो आपने अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा, लेमा का मतलब भी समझा है, एक टू स्टेटमेंट जिसके हेल्प से आप अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो या उसमें यूज करके कुछ नए रिजल्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा, उसके हेल्प से हमने एल्गोरिथम लगाया। एल्गोरिथम लगाने का मतलब स्टेप बाई स्टेप तरीके लगाए जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिससे किसी का एस सी एफ बता दे रहे हो। इनका मेन फैक्टर यही था कि आप एस सी एफ इजिली निकाल सकते हो, और भी यूज था पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा एन सी आर टी बुक का पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से एक करेंगे हम लोग। लिखा होगा कि आप निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के एस सी एफ दो नंबर का। वो दो नंबर कौन से हैं, पहला ही हम करते हैं 135 एंड 225। इसका आपको एस सी एफ निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब तरीके, स्टेप बाइज कैसे आप लगा रहे हो इसे निकाल रहे हो। तब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, क्यू भी पॉजिटिव इंटीजर, आर भी पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है तो सबसे बड़े वाले को हम क्या मानेंगे, ए। देखो सबसे बड़े वाले को ए, उनका कहने का मतलब यही था ए इज ग्रेटर देन बी। अब अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आपके तरीके आप खुद जाने सकते हो। ठीक है, क्यू कितना आएगा बाबू, इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, दो बार में जाएगा नहीं एक ही बार में जाएगा, ठीक है, 90 बचेगा एक बार में जाएगा, एक मतलब क्वोटेंट्स, इसी को क्यू बोलते थे हम लोग, समझिएगा ध्यान से क्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे आर, तो आर कितना बचा प्यारे बच्चों, 90। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि इसको डिलीट मारिए बड़े वाले को। अब लीजिए आप इन दोनों को, ठीक है, इसमें बड़ा कौन है ये, तो सेकेंड स्टेप यहाँ चालू हो गया, ये भी याद रखिएगा सेकेंड स्टेप। ये पहला स्टेप था आपका, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप तो बहुत ईजिली कर लोगे, जानते हो तरीका, बस समझ गया तो आंसर लिख दो, 91 + 90 + 45। ठीक है, रिमाइंडर ये, अब इसको डिलीट मारिएगा इन दोनों को लीजिएगा, 90 45 × 2 = 0। तो एक चीज़ देखो, ये कोटेंट आया है, इसको याद रखिए, कोटेंट इज़ नॉट योर आंसर, डिविजर इज़ योर आंसर। तो एस सी एफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 45। वह छोटा नंबर जो इस बाद वाले नंबर को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली, वही एस सी एफ होता है ना कि कोटेंट। ठीक है, तो देखो इसमें एक दो स्टेप लगे, तो एल्गोरिथम का मतलब ये, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगा रहे हो कि मेरा आंसर आया, तरीके निकाल रहे हो, तो ये एल्गोरिथम है। यूक्लिड साइंटिस्ट हैं या मैथमेटिशियन बोल सकते हैं आप, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। अब समझते हैं आगे, पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीगर लीजिएगा वो किसके फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर किस फॉर्म में होना चाहिए, तो फॉर्म आपका दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो है आपका 6Q + 1, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, इस फॉर्म में होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, प्रूफ करना है। और Q क्या है, कोई इंटीजर है, क्यू इज सम इंटीजर, इंटीजर मतलब समझ लिया ना, 1, 2, 3, 4 माइनस पार्ट भी, -1, -2, ठीक है, तो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो भाई पॉजिटिव ऑड का मतलब क्या हो, कौन कौन से नंबर होंगे, 3, 5, पहले बेसिक थोड़ा जान लीजिए। तो कैसा आपको ये लग रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 2 k
के प्लस वन लिख सकते हो कि नहीं। के क्या होगा, कोई नंबर होगा, के नंबर का के इज होल नंबर, ये लिख लो बहुत बढ़िया रहेगा। होल नंबर मतलब जीरो से लेकर 1, 2, 3। तो k अगर होल नंबर है तो k के वैल्यू में क्या रखूँगा तो 3 आ जाएगा। देखो 1 रखूँगा तो आ जाएगा ना, k इक्वल टू 1 पे क्या होगा 3। यहाँ पे k क्या रखोगे तो देखो इसको भी 2k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 2k प्लस 1 के फॉर्म में। देखो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 दूनी के 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो किसी भी आड नंबर को लिखने का जनरली तरीका ये भी हो सकता है 2k प्लस 1, या ये भी हो सकता है 2k माइनस 1। ठीक है, लेकिन 2k माइनस 1 लिखोगे ना तो k को बोलना पड़ेगा, k इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या बोलना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। जीरो को इंक्लूड नहीं कर पाओ, क्यों, क्योंकि जीरो जैसे ही डालोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, तो पॉजिटिव आड तो आएगा नहीं, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव आड के लिए जनरली यही तरीके लेंगे। तो कोई भी आड नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों, 2k प्लस 1, किसी भी पॉजिटिव आड, यहाँ पर लिख लेना पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, और के क्या होगा प्यारे बच्चों, के इज़ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होता है, जीरो से लेकर। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा, इसी का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो अब हम प्रूफ पे चलते हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को समझ लिया, हमें क्या बनाना था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक, किस फॉर्म में होगा, 2k प्लस 1, यही फॉर्म इनको सबको बनाना है। k क्या होगा, k इज होल नंबर। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा इसको साइड में। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि a इजकल टू क्या हो रहा था, bq प्लस r। a इजकल टू क्या हो रहा था बाबू, bq प्लस r। ठीक है, अब a क्या बोला गया था, a इज ग्रेटर देन b ये बोला गया था, q इज पॉजिटिव इंटीजर, r की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, जीरो के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा होगा। इतनी बातें आप समझ रहे हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर 6q है ना, तो हम मान लेते हैं b की वैल्यू क्या थी 6, तो 6q, तो रिमाइंडर क्या क्या होगा ये सोचो पहले। अगर मान लो आपका b 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा, लेट b 6। अगर b 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो रिमाइंडर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर किससे छोटा होगा वो प्यारे बच्चों, 6 से छोटा होगा, यानी 6 नहीं होगा, क्योंकि आप समझ भी रहे हो जो डिविजर होता है उससे छोटा ही रिमाइंडर आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या इसके पॉसिबल हो सकते हैं तरीके, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देख लो, 6q प्लस 0। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इतने हैं। ठीक है, ए को लिखने के इतने तरीके हैं, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, यानी इनमें से कोई एक ए हो सकता है आपका, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमें किस फॉर्म में करना है, हमें पहले तो इस नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, ऑड, क्या बनाना पड़ेगा, ऑड। तो ऑड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो क्या कर सकते हैं कि ऑड बन जाए, सोचिए थोड़ा। देखो हमें बस बनाना है ये वाला फॉर्म, तो ये वाला एक ले लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन फॉर्म को लेते हैं, तो मेरा ए क्या है बाबू, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यहाँ पर देखो ये b हो गया, ये q होगा, ये r हो गया। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये लग रहा है कि 2 से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं, देखो 2, 3 जा 6, ऐसे लिख सकते हो, प्लस 1 हो गया। q क्या है, q इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो किसी पॉजिटिव इंटीजर में, जैसे पॉजिटिव इंटीजर मान लो 2 है, उसमें किसी इंटीजर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही ना आएगा। तो यहाँ पर देखो क्यू इंटीजर है, 3 से करो तो इंटीजर ही आएगा, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1, लिख सकते हो कि नहीं, ये हम लिख सकते हैं, 3q इज आल्सो इंटीजर। ठीक है,
पॉजिटिव इंटीजर लिखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लिख लिया। इसी तरह तुम इसको भी ब्रेक कर सकते हो, 6³ + 3 को, तो उसको देख लो मैं ऊपर कर रहा हूँ कैसे ब्रेक में कर रहा हूँ, 6³ + 3 कैसे होगा, देखो a = 2, 2 हो गया, फिर देखो 3³ + 3, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा और सोचेंगे तो क्या हो सकता है, देखो इस 3 को ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करो 2+1 में, हो सकता है इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल दो, 3³ + 1 + 1 हो गया, इतना बात। तो ये जो बाबू आया 3³ + 1 ये भी क्या होगा, इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पूरा कहानी पॉजिटिव पे चल रही है, यहाँ पर कोई निगेटिव टर्म आपको यूज नहीं करना है क्योंकि सब पॉजिटिव की बात हो रही है। तो ये भी इंटीजर है प्यारे बच्चों, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा इंटीजर, तो हम क्या बोल सकते हैं 2k 2 बोल देना प्लस 1, यहाँ पर k1 बोल देना, ठीक है, तो 2k 2 + 1। k2 क्या होगा, कोई नंबर होगा, k2 इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो अब ये वाला जो पूरी है ना, ये भी मैंने पहले बताया था 2k + 1 कैसा होता है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये वाला बंदा क्या हो जाएगा ऑड, ये वाला भी बंदा क्या है बाबू ऑड, ऑड है कि नहीं, ये भी ऑड वो भी ऑड। अब इसी तरह लास्ट वाला बचा है 6³ + 5, तो इसको थोड़े से कोने में देख लेते हैं, 6³ + 5, तो देखो मैंने ब्रेक किया 2³, अब यहाँ पर 2 रख दो प्लस 3, ठीक है 1 रखो क्योंकि हमें 1 बचाना ही है ना सिर्फ, क्योंकि हमें लास्ट में 1 लाना है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो देखो यहाँ पर 2 तो मिल जाएगा लेकिन क्या बचेगा 3³ + 2 + 1, देखो 4 को तोड़ेगा तो 2 × 2 = 4, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 कॉमन हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 2 = 4 आ गया कि नहीं, तो ये भी तो इंटीजर होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर आएगा, इंटीजर से करोगे तो इंटीजर आएगा और जोड़ोगे इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा, तो ये भी इंटीजर हो गया, तो इसका नाम k3 रख देना, 2k3 + 1, ये भी क्या हो गया ऑड नंबर। तो इस प्रकार जितनी चीज़ें हमें बोला गया था, क्या ये जो चीज़ें हैं वो ऑड होगी, तो हाँ भाई ऑड होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ था। आप इसको ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमना लगाया a = bq + r, यहाँ पर हमें 6 दिख रहा था तो हमने बोल दिया चलो भाई b 6 है, तो 6 जब ले लिया तो रिमाइंडर की कहानी है, रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, तो आपने ये समझ लिया a = bq + r, ठीक है, b को हमने 6 माना, ठीक है, और r की वैल्यू मालूम ही है कि डिवीजर से छोटा होगा 6 से, तो इतना होगा। अब उसने क्या बोला है कि a के कितने फॉर्म हो गए, तो a को देखो इतने फॉर्म है, देख रहे हो ना लगातार a कितने फॉर्म है, हमें बस लेना किसको था, इसको इसको हमने ये ले लिया। अब हमें क्या दिखाना था कि ये जो वैल्यू है ऑड बन जाए, तो ऑड बनाने का हमने तरीका भी सीखा था 2k + 1, तो 3q किसी इंटीजर में अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 3q भी क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ऑड हो गया। ऐसे ही दूसरे को मैंने किया तो ये भी ऑड आ गया, तीसरे को भी किया तो ये ऑड आ गया, तो पूरी कहानी मेरी प्रूफ हो गई। तो सो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बस ऐसे ही मेन पॉइंट क्या था ये समझना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो।